विदिशा के लटेरी जनपद के ग्राम पंचायत मुंडेला का एक मामला सामने आया है, जिसको लेकर आज पूर्व सरपंच संतोष लोधी द्वारा ग्राम सरपंच और सचिव के विकास पर भ्रष्टाचार की पूर्व शिकायतों को लेकर एक शपथ पत्र मुख्य कार्यपालक अधिकारी लटेरी को दिया है, जिसमें लिखा है कि मैं संतोष कुमार लोधी यहां सत्य कथन करता हूं कि मैंने ग्रामवासियों के बहकावे में आकर ग्राम के विकास को लेकर झूठी बातों और अफवाहों के चलते ग्राम के सरपंच और सचिव के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जो बाद में मेरे द्वारा खोजबीन करने पर असत्य पाए गए, जिसको लेकर मैं काफी दुखी हूं और मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार से असत्य आरोप किसी पर लगे। निर्दोष सरपंच सचिव पर अब मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, न कार्रवाई करवाना चाहता हूं। बता दें, संतोष कुमार ने समस्त शिकायतें वापस ले ली और शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत मुंडेला के सरपंच सचिव को निर्दोष मानकर कोई कार्रवाई न की जाए। मुनव्वर खान की रिपोर्ट।